पढ़ रहे थे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, तो अपन ने पढ़ा तो बच्चे होते हैं उनमें कितनी होती हैं, 300 से ज्यादा, ठीक है ना। 300 मैंने इसलिए लिखवा दिया कि 300 ही मिल गए तो टिक लगा सके, और 300 से ऊपर मिल गए तो भी टिक लगा सके। और 300 से ऊपर का मतलब यह नहीं है कि 3.5 अक्षर और 4 अक्षर हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया। 300 ज्यादा तो कहीं 1000 भी होते हैं तो 1000 हड्डी हो जाएगा। तो मैंने 308 तक बताई थी, अब उसी में 8, 6, 4, 2 ऐसा कुछ लिखा रहता है। हड्डियों के कार एडल्ट में कितनी होती है, 206, नहीं हम याद करेंगे। हड्डियों के कार्य पढ़े थे, फिर हम क्या होता है शरीर को फ्रेमवर्क साइज, ठीक है ना, और शेप देना भी काम होता है हड्डियों का। हड्डियों के कारण शेप और साइज भी आती है कि नहीं आती है, और शरीर को संतुलन भी देता है, बैलेंस देता है, हाँ या ना। तो फ्रेमवर्क लिख दिया अपन ने। बोन मैरो का निर्माण होता है काय का, बोन मैरो निर्माण काय का होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी या ब्लड का निर्माण होता है, खनिज लवण मिनरल्स कौन कौन से, कैल्शियम फास्फोरस और भी बहुत सारे बनते हैं, भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, अंगों की सुरक्षा का काम भी करती है कौन, हड्डियां, ठीक है ना, दैवीय काम भी करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सुरक्षा करती है, तो ऑर्गन के लिए मैंने यहां से बताया था टाइप ऑफ स्केलेटन, ठीक है ना। कंकाल दो तरीके के होते हैं जीवों में, एक बाहरी और एक आंतरिक, तो एक एक्सो और एक इंडो। फिर मैंने जीव जंतु बताए थे कौन से में बाहर और कौन से में अंदर होता है, कुछ हमने देखे थे। इन सब में कहां पाया जाता है, बाहर की ओर पाया जाता है, काय की ओर पाया जाता है, इन सब में अंदर की ओर पाया जाता है, इसमें दोनों साइड पाया जाता है, ठीक है ना, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है ना। मानव शरीर में हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कौन से क्रम को, व्यवस्थित क्रम को, ठीक है, व्यवस्थित मतलब अरेंजमेंट को, सही तरीके से अरेंज है तो हमारा शरीर है, नहीं तो फिर फैला तो है ही ऐसा। सच में आया कि नहीं आया, क्या वो क्रम क्या कर दिया हमने, व्यवस्थित कर दिया, छाया व्यवस्थित, या काय बदल दवाए, समूह में बदल दिया, काय बदल दिया, हड्डियां दोनों में ही है पर वहां अरेंज है, और जहां ग्रुप में है बाय ग्रुप, देखो थैला बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा हड्डियां कैसी होती हैं, हड्डियां कैसी होती हैं, सजीव होती है, लिविंग होती है, क्यों होती है ऐसा हमने क्यों कहा, क्यों हड्डियों के अंदर क्या रहता है, सेल, सेल बहुत सारे सेलों से क्या बना होता है, टिश्यू, और टिश्यू क्या है, हड्डी। तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया था, हड्डी क्या है, ऊतक। दूसरा मैंने इसमें आपको बताया था शरीर का सबसे मजबूत व कठोर ऊतक कौन सा होता है, कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन सुनो आप ध्यान से, सुनना, पूछ रहा हूं मैं, आंसर देना, लिख भी बैठ गए तैयार, लाइव मिसाइल बिल्कुल लॉन्च पे ही रख रहती है। सुनो तुम, शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक, हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, बोन है, बोन है। दोबारा सुनना, शरीर के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, मैटर, क्वेश्चन में अंत समझ में आया, हार्डेस्ट मैटर कौन सा है, ठीक है ना, और हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, दोनों में अंतर है या नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर जल्दबाजी पड़ गए कचु कचु लग जाए वो, इसी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि हार्डेस्ट क्या पूछा है, टिश्यू पूछा है कि कोई पदार्थ पूछा है, तो पदार्थ पूछे तो आंसर है एनेमल, क्या है, एनेमल, लिख लेना इसको, ठीक है ना, लिख देते हैं। कठोरतम पदार्थ, और यहां दिया है कठोरतम ऊतक, ठीक है ना, हार्डेस्ट टिश्यू या हार्डेस्ट मैटर, तो यहां आंसर हो जाता है क्या, एनेमल, एनेमल। कोई बताएगा एनेमल कहां पाया जाता है, कौन कौन बताएगा एनेमल कहां पाया जाता है, अब बता पाओगे, वेरी गुड, कहां पाया जाता है, दांतों में पाया, दांत का सबसे कठोरतम भाग बताया था कि नहीं, कौन सा होता है, एनेमल, ठीक है, कहां पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है, लिख लो एनेमल कहां पाया जाता है, विवेकानंद जी हो तो मत लिखो, दांतों के ऊपर जो परत है ना सफेद, काय की रहती है,
एनेमल की रहती है। अभी तो दुनिया ये सभी चीजें खा रहे हो, एनेमल हट जाता है तो दांत कमजोर, हड्डी की हड्डी खा जाते हो तुम, कल खाई थी सही तुमने, कल नहीं खाई तुमने, ये अनाज हंस रहा है। ठीक है, ये पढ़ाया था तुम्हें कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट मिलकर बन जाता है ये। फिर बताया हड्डियों के अंदर की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, और यह एक और नाम बताया जाता आपको ऑस्टियोब्लास्ट, बताया था एक ऑस्टियोक्लास्ट, तो बताया था ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट, दोनों नाम लिखे ना आपने, ठीक है, नहीं तो सही में ऑप्शन ढूंढा होगा तुमने। फिर बताया था स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी। मैंने आपको बताया हमारे शरीर में दो चीजें पाई जाती हैं, एक हड्डियां, बताया इन्हें एक और नाम से जानते हैं अस्थि, क्या कहते हैं, और एक होते हैं उपास्थि, एक अस्थि और एक उपास्थि, अस्थि मतलब हड्डी, उपास्थि मतलब, मैं कह रहा हूं अस्थि मतलब हड्डी, मतलब हिंदी टू हिंदी जा रहा हूं, ठीक है ना, और जब मैं कह रहा हूं उपास्थि तो तुम हिंदी टू इंग्लिश हो जाते हो, मुझे नहीं आता यार, उपास्थि मतलब जहां हड्डी नहीं है लेकिन वो नरम भाग, जैसे कान नाक क्या है, उपास्थि है या नहीं है, कार्टिलेज है ना, एक क्वेश्चन है यहीं से सुनना ध्यान से, तुम लिखन लगते हो तुम्हें डर लगन लगता है, तो क्वेश्चन पूछ में भी डर लग जाता है यार, पहले सुन तो ले, ना भी लिख पाए तो वीडियो में तो मिल ही जाएगा ना, तो काय पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, सुन पे पे, लेकिन तुम पेन देख के मोटर लग जाता है, अब होते का चू लिखो, पहले सुनो तो सही, उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे लाल, मेरे गरीब लाल, बताओ, लिख देते मैं ये पूछ रहा हूं उपास्थियों अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आंसर है कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है, उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। लिख लो, लिख लिया, ठीक है ना, हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को कहते हैं, देखो तीन नाम हो गए अपने पास, तीन चीजें अध्ययन से संबंधित, तीन नाम हो गए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑर्थोलॉजी, और उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, कौन जल्दी भूल जाएगा, नहीं भूल पा रहे, आंख देखें, आंख देखें, हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है प्रोटीन, फैट भी पाया जाता है, घबड़ाइयो मत, प्रोटीन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन पाया जाता है और कोलेजिन पाया जाता है, ये कोलेजिन प्रोटीन स्किन में ही पाया जाता है, तो शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो गया, कोलेजिन, कौन सा, ठीक है ना, हड्डियों के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं, काय के अंदर, हड्डियों के अंदर, तो अब आपसे क्वेश्चन यही आता है अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं, लिख लो पहले, जाए लिख लो, जाए लिखा दीजिए, आओ तो भैया, हाँ सब एक ही है, हम वो माया है।
हड्डियों के अंदर कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और भैया हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, देख लेना अनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं वो नाम बता रहा हूं, अकार्बनिक देखो, इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं तो देख, कैल्शियम फॉस्फेट कल लिखाया था जाने का, एक मैं मेन लिखा रहा हूँ भैया ना, ऐसे तो बहुत सारे पाए जाते हैं पर जो मेन है वो लिखा रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये पाए जाते हैं हड्डियों के अंदर, इन सब में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ये, तो यहां लिख लेना मैक्सिमम, लिख लिया आप लोगों ने। हड्डियों के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक, अकार्बनिक की याद करनी, पहला कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर और अब सुनिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आया था आप ध्यान से सुने, यहां से यदि हड्डियों को किसको, हड्डियों को HCl के अंदर रखा जाए, काय के अंदर, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना, उसके अंदर रखा जाए तो हड्डियों में क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, यदि हड्डियों को HCl के साथ रखा जाए या HCl में रखा जाए तो क्या होगा, और लिखते हैं मैं अब यहीं से, वरना ही क्वेश्चन कार्बनिक और अकार्बनिक लगाए ना उनमें ही लिखना है अपन नेक्स्ट लाइन में, यदि अस्थि या हड्डी HCl में रखा जाए तो क्या होगा, तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, पहले लिख लो फिर आप क्वेश्चन अपने आप ही आपको समझ में जाएगा। तो क्या पूछा, यदि अस्थि मतलब हड्डी को HCl में रखा जाए, काय में रखा जाए, HCl में रखा जाए तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, तो ये होगा हड्डी से अकार्बनिक पदार्थ हट जाते हैं, कौन हट जाता है, अब देखना इधर ध्यान से, इधर देखो बोर्ड पर देखो, इन हड्डियों से अकार्बनिक पदार्थ हट गए, उन हड्डियों को क्या कहते हैं, तो हड्डी का भैया नया नाम आ जाएगा, अगर हड्डियों से क्या हट गए, अकार्बनिक पदार्थ हट गए तो अब हड्डी को क्या कहेंगे, बता लाल, नहीं कह रहा हूं इधर बताओ कौन कहेगा,
यदि हड्डियों से अकार्बनिक पदार्थ हट जाएंगे तो हड्डियां क्या कहलाएंगी? वे हड्डियां जिनसे अकार्बनिक पदार्थ हट जाते हैं और हटकाए से जाते हैं एससीएल के में रखने के कारण, उन हड्डियों को कहते हैं विकेंद्रीकृत हड्डी। ऐसी अस्थि कहलाती है। देख लें, डीकैल्सिफाइड बोन कहलाती है। डीकैल्सिफाइड बोन कहलाती है विकेंद्रीकृत हड्डी। अब आपके लिए क्वेश्चन यहां से बनेगा, विकेंद्रीकृत हड्डी क्या होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वे हड्डी जिनसे कार्बनिक पदार्थ हट जाते हैं। क्या? कार्बनिक पदार्थ हट जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? एचसीएल से हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? तीनों चीजें समझ में आ गई। एलसीएल में रखने पर हड्डियों का क्या होता है? अब मान ओके, तो सही था ना? ये नाम ना आए, कहां गया? अकार्बनिक पदार्थ। तो आप जानते हैं यहां पर एक नाम लिख के देगा वो आपको, कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों से कैल्शियम फॉस्फेट को हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो आप क्या आंसर देंगे? एलसीएल में रखा जाता है। दूसरा सुनो क्वेश्चन, यदि हड्डियों से कैल्शियम फॉस्फेट को हटा दिया जाए तो हड्डियां क्या कहलाती है? विकेंद्रीकृत हड्डी। क्या कहलाएगी? क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो क्वेश्चन, मैंने कहा ना बता पाओ तो है। मैंने बताया लिक्विड में डालने से हट जाते, जैसे पानी में अपन डाल दे शक्कर डाल दे तो घोल बन जाएगा। कौन सी क्रिया है? तो जैसे HCl है, एक लिक्विड है, उसमें तुमने हड्डी रखी तो उसे एक केमिकल रिएक्शन होगा, उससे क्या हट जाएगा? अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है ना? अभी एक और क्वेश्चन सुनो, यदि हड्डियों को खुले में रख दिया जाए, क्या हड्डियों को खुले में रख दिया जाए तो क्या होगा? लिख लो पहले तुम। यदि हड्डियों को क्या किया जाए? ड्राई किया जाए। क्या किया जाए? ड्राई किया जाए मतलब क्या? सुखाया जाए। तो क्या होगा? तो आप सुनिए, अब कार्बनिक पदार्थ हट जाएंगे। कौन से पदार्थ हट जाएंगे? कार्बनिक। अब हमने पढ़ा था अकार्बनिक पदार्थ हट जाते हैं, यहां पढ़ रहे हैं क्या? कार्बनिक पदार्थ हट जाते हैं। वहां कार्बनिक पदार्थ हट रहे थे तो उनका नाम क्या हो रहा था? डीकैल्सिफाइड बोन हो रहा था। क्या नाम हो रहा था? डीकैल्सिफाइड, विकेंद्रीकृत बोन हो रहा था या हड्डी हो रहा था कि नहीं? अब यहां भी कुछ नाम हो रहा होगा कि नहीं? कार्बन पदार्थ हटने से कुछ ना कुछ तो नाम आ रहा होगा कि नहीं? भाई यहां से कार्बन सब्सटेंस हट रहे हैं तो कोई ना कोई नाम तो आएगा कि नहीं आएगा? कैसे हट रहे हैं? यहां पर सुखाने से। तो यह नाम हो जाता है ड्राई बोन। ऐसी हड्डियों को क्या कहते हैं? ड्राई बोन। लिख लीजिए, लिख लिया। सुनना, अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। हड्डियों के विकास को क्या कह रहा हूं?
हड्डियों के विकास और गठन को क्या कहा जाता है? पहले सुनो, ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन सारे सुनो। क्वेश्चन नहीं, मैं हड्डियों में ही पढ़ा रहा हूँ, आप बस क्वेश्चन बना बना के आपको बता रहा हूँ। हड्डियों के विकास और गठन को क्या कहा जाता है? क्लियर है? दूसरा, मनुष्य में पूर्णता हड्डियों का विकास कब हो जाता है? जैसे 300 हड्डी तुम्हारे बचपन में थी, अब आप में 206 हो गई, तो पूर्णता हड्डियों का विकास कब हो जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो अब बताओ, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं क्या, हड्डियों के विकास और गठन को क्या कहते हैं, या गठन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स कॉल्ड क्लियर। हड्डियों के विकास और गठन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ, इंग्लिश में लिख लें, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन, डैश लगाना उसमें, देखा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हड्डियों के विकास और गठन। देखो बच्चे में 300, 302, 300, 308 जो भी हड्डियां थी, बढ़कर जब वो बड़ा हो गया तो कितनी हड्डी हो गई उसमें? 206। तो ये क्या हुआ, उसका विकास और गठन दोनों हुए कि नहीं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूछा अपन ने। इस प्रोसेस को कहते हैं अस्थि भवन। क्या कहलाता है ये? अस्थि भवन कहलाता है। ऑसिफिकेशन कहलाता है, ऑसिफिकेशन इंग्लिश में, अस्थि भवन या ऑसिफिकेशन कहलाता है, लिख लेना। क्या कहलाता है? अस्थि भवन। पूरे शरीर का हड्डियों को भवन है। क्वेश्चन कहलाता है, लिख लिया। इस चीज का ध्यान रखना, इधर सुनो, इधर मेरी सुनो। कभी कभी मनुष्य की आयु का पता अस्थि भवन के द्वारा भी लगा दिया जाता है। किसके द्वारा? कभी कभी मनुष्य की, अब कभी कभी मतलब कभी जांच करना हो तो, मनुष्य की आयु का पता कैसे चल जाता है? अस्थि भवन की, ठीक है ना, ऑसिफिकेशन से पता चल जाता है। क्लियर है? और एक मनुष्य में पूर्णतः हड्डियों का विकास 22 से 25 साल के बीच में हो जाता है। कितने? 22 से 25 साल के बीच में मनुष्य में हड्डियों का पूर्णतः विकास हो जाता है। क्लियर है? अब सुनिए, सुनो मेरी, सुनो ध्यान से। अगर आपके शरीर में, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, काई कमी हो गई, कैल्शियम की कमी मतलब कैल्शियम कमी कैसे हो गई? आप खाना खा रहे हैं, उस खाने में कैल्शियम है ही नहीं है, खाने में क्या नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो शरीर में कैल्शियम कमी होगी कि नहीं होगी? ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें कैल्शियम है नहीं है, शरीर में कैल्शियम कमी होगी कि नहीं? लेकिन अब शरीर को तो कैल्शियम चाहिए कि नहीं चाहिए, अपनी क्रियाएं करने के लिए। ऐसे में आपका जो शरीर होता है वो कैल्शियम की पूर्ति कहां से करता है? हड्डियों से। कहां से कर लेता है? हड्डियों से। हड्डियों के अंदर रहता है कैल्शियम बैंक। क्या रहता है? कैल्शियम बैंक। उन कैल्शियम बैंक से क्या ले लेता है? कैल्शियम ले लेता है। क्या ले लेता है? उधार ले लें। इसका ये मतलब है खाओगे तो फिर पहुंचा देगा। हाँ, अब मान लो तुमने पहुंचा ही नहीं, तुमने खाओ ही नहीं, वो लेता ही जा रहा, उसे तो डेली चाहिए। सुनते जाना ध्यान से, अब क्या होगा या कंडीशन क्या होती है? सबसे ज्यादा ये बच्चों के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? बच्चों के साथ में होता है। अब सुनिए, होता क्या है कि आप खाना खा रहे हो, उस खाने में नहीं है कैल्शियम, शरीर को चाहिए कैल्शियम, तो शरीर कैल्शियम कहां से ले लेता है? हड्डियों के अंदर कैल्शियम बैंक से। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम बैंक, वहां से कैल्शियम ले लेगा और अपनी काम कर लेगा। लेकिन हड्डी में तो कैल्शियम कमी हो गई कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन तुमने कुछ खाया ही नहीं ऐसा जिसमें कैल्शियम है, तो लगातार कमी होती जा रही है कि नहीं? ये लगातार कमी के कारण से हड्डियां जो होती हैं भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी जानो, छेद हो जाता है, मामले हो जाते हैं छेद, और फिर टूटने लगती है हड्डी।
क्या होता है, हड्डियां टूटने लगती हैं अचानक से, थोड़े से ही वजन उठाने में चटक जाती हैं। अब क्या होगा उस बालक का, जल्दी मर जाएगा। तो बच्चों में ये देखने में बहुत पाया गया, बच्चों में क्या पैदा होता है, कैल्शियम की कमी। अब बच्चे में कैल्शियम कमी कहां से आई भाई, माता से। कैसे आई, उसकी जो माँ है उसने खाने में ऐसी चीजें खाई हैं जिसमें कैल्शियम नहीं है। तो निश्चित है माँ के कैल्शियम जो रहता है ना उसका 70% बच्चों में जाता है। अब माँ के पास कैल्शियम है तो ही नहीं, तो बच्चे में जाएगा क्या। तो बच्चा पैदा होता ही कैसा होगा, कैल्शियम की कमी रहेगी कि नहीं। उस कैल्शियम की कमी के कारण से उसकी हड्डियां कैसी रहेंगी, भुरभुरी, छेद, हड्डियां टूट जाएंगी। बालक जानते समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो कमी होने पर खाने में अगर कैल्शियम की कमी है तो शरीर कैल्शियम की पूर्ति कहां से करता है, हड्डियों से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हड्डियों के अंदर कैल्शियम बैंक से पूर्ति करता है। कैसे करता है, कैल्शियम बैंक से। अब जिन्हें लिखना है वो लिख लेना, ठीक है ना। तो शरीर कैल्शियम की पूर्ति कैल्शियम बैंक से करता है। देख पाए, सुनिए अब ध्यान से, इधर देखो, जो तुम्हारा हाथ है, एक हड्डी जे और एक हड्डी जे है कि नहीं है, ये हड्डी दोनों एक दूसरे से बंधी होंगी कि नहीं। मैंने ये तो बता दिया था आपको कि इन दो हड्डियों का जो जोड़ होता है वहां कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैसे ये घुटना मोड़ रहे हैं हम, तो इन घुटनों के बीच में क्या है, कार्टिलेज है। जब ये कार्टिलेज कमजोर हो जाता है, कमी हो जाए तो तुम्हारे घुटनों में सेवा जाने की चट, फिर चट आते कि नहीं, क्योंकि घुटने गए कहते हो। समझ में आया कि नहीं आया, खाना जरूरी है कि नहीं, ये चीजों को, चीजें अच्छी खाएं, मतलब कंप्लीट फूड जिसमें सब विटामिन कैल्शियम सब होना चाहिए, क्योंकि सब बन रहे हैं शरीर में कि नहीं बन रहे। तो मान लेके चलिए ये दो हड्डी हैं, इन दोनों के बीच में कार्टिलेज है, क्या है, कार्टिलेज। पर ये दोनों हड्डी किसी ना किसी चीज से बंधी तो होंगी ना, कार्टिलेज तो इन दोनों के बीच में हो गया, ये दोनों हड्डी किसी ना किसी चीज से बंधी होंगी। ये हड्डी यहाँ पर से बंधी होंगी कि नहीं, ये हड्डियां यहाँ से बंधी होंगी कि नहीं, हाँ या ना। ये कैसे बंधी होती है, रस्सी से, तार से, टेप से, तो फेविक्विक का जोड़ है, क्या है बताया, क्या होता है। सुनिए आप ध्यान से, हड्डियां या अस्थियां एक दूसरे से स्नायुबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। काय के द्वारा, स्नायुबंध, हम लिखेंगे स्नायुबंध। हड्डियां एक दूसरे से स्नायु बंध द्वारा जुड़ी रहती है। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स, स्नायु बंध। लिख लेना, बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स, हड्डियां एक दूसरे से स्नायु बंध द्वारा जुड़ी रहती है। पाए, हाँ या ना। तो हड्डियां जो एक दूसरे से काय के द्वारा जुड़ी हैं, लिगामेंट्स स्नायुबंध द्वारा जुड़ी हैं। ठीक है, ध्यान। तुम्हें पता है ये वाला जो रहता है, मैं हर एक चैप्टर में पढ़ाता हूँ आपको, माइंड से लेकर जितने भी चीजें पढ़ते जा रहा हूँ उन चीज में आपको बताता जा रहा हूँ कि नहीं। यूनिट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र की इकाई किसे कहते हैं, किसकी, कंकाल तंत्र की। मैंने किडनी पढ़ाई, उसमें इकाई बताई आपको क्या होती है,
क्या होती है? नेफ्रॉन होती है कि नहीं? हाँ या ना? ध्यान है? फिर इसके बाद क्या पढ़ाया आपको? क्या पढ़ाया था? अरे चैप्टर को नाम ही बोल दो लालो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यूनिट बताई तुम्हें? मना कर रहा है लाल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स पढ़ाए थे? लंग्स में क्या होता है? एवलॉय होते हैं कि नहीं? बताए नहीं। कूपी कहाँ है? ध्यान भूल जाता है यार। माइंड पढ़ाए तुम्हें? माइंड, माइंड की क्या बताई थी यूनिट? न्यूरॉन। क्या होती है? तुम्हें बताए तुम्हें कि नहीं बताए? यार न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई होती है। ये लंग्स हैं, टंकी हैं, इनमें क्या रहता है? एवलॉय। कूपिकाएं होती हैं जो तुम्हारे ऑक्सीजन को भरे हुए रहती हैं। हाँ या ना? ये सड़ जाते तो तुम्हें क्या हो जाता है? निमोनिया। क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। बताए थे कि नहीं? पीला पना जाता है। ठीक है, किडनी में बताए, किडनी में क्या पाया जाता है इकाई के रूप में? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन? 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। ठीक है ना। और अब पढ़ रहे हैं अपन क्या? कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। तो कंकाल तंत्र की इकाई, आप ये चीज बताएं, कंकाल तंत्र काय से मिलकर बना है? काय से मिलकर बना है? काय से मिलकर बना है? तो कंकाल तंत्र की इकाई है हड्डी, बोन। या अस्थि, जो लिखना है अपनी मर्जी से लिख लो। अब देखो क्या पढ़ रहे थे अपना। ये पढ़ा रहा था मैं कल आपको, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। कितनी हड्डी है हमें? 206। क्लियर है? दो भागों में है। एक का नाम क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा का है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। ये हड्डियां फ्लैट होती हैं, यहाँ लिम बोन्स पाई जाती हैं और ये काय में पाई जाती हैं? हैंड और लेग्स में। ठीक है ना। ऊबड़ खाबड़ हड्डियां यहाँ पाई जाती हैं और सीधी साधी हड्डियां यहाँ पाई जाती हैं। हाँ है ना। मतलब सीधी साधी मतलब इनमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, पर इनमें टेढ़ा मेढ़ा पाया जाता है। ठीक है, सीधी हड्डी होगी तो ऐसे भागने के लिए होंगे, ऊबड़ खाबड़ हो गई कि नहीं? ये हड्डियां सीधी की सीधी है। कौन सी? अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र मैंने बताया था बीच वाला भाग होता है, यहाँ से लेकर यह जो बीच वाला भाग है ये कौन सा है? ठीक है ना। और ये हाथ पैर जो है वे कौन से हैं? अब हम एक एक को पढ़ते हैं। देखो इधर, अब ये मेन यहां से याद करने का। यहां तक तो मैंने एक समान जानकारी दे दी पॉइंट बाय पॉइंट करके। अब यहां से हम एक एक हड्डी का हमें नाम याद करना है। ठीक है ना। 206 हड्डियों के नाम याद करना है तुम्हें, मुझे नहीं। देखो ना, ये हेडिंग है अपनी, ये कौन सा है? एक्सियल स्केलेटन। ये कौन सा है? अपेंडिकुलर। यह कौन सा? अक्षीय। अक्षीय कंकाल तंत्र। कंकाल नाम कितना भयंकर लगता है ना। ये कौन सा है? उपांगीय कंकाल तंत्र। यहां में कितनी हड्डी है अपनी? 80। कितनी है इसमें? कितनी है? 126। टोटल मिला कितनी हो जाएंगी? 206 हड्डियों के टुकड़े। क्लियर है कि नहीं है? क्यों? हाँ। अब 80 याद कर ले पहले, तैयार हो? आओ तो करते हैं यार। हेडिंग डालो क्या? अक्षीय कंकाल तंत्र। देखो शुरुआत यहां से करेंगे फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखते जाओ, इधर पैर बहुत। ये सिर की हड्डी। कौन सी हड्डी? सिर कहां तक होगा देखो पहले। नौ सिर आ गए हमारे हिसाब से, सिर जी है। लेकिन थोड़ी देर तक जहां तक है वो सिर अपना होगा। कहां तक? यहां तक मानना है सिर। ठीक है, कहां तक? जहां तक नहीं, गलो है जाओ नाम, जहां तक। ठीक है ना, इसे मानना है। फिर इसे हटा देंगे, फिर बताएंगे काय की? टेस्ट की बोन। टेस्ट बोन
कौन सी? चेस्ट बोन, कहो हाँ। फिर बताएंगे जी पसलियां है कि नहीं है, तुम्हें पढ़ाए थे पिछले चैप्टर पसलियां कितनी होता है, 12 आयत है, 12 आयत है या ना, कितनी हो गई 24, ठीक है ना, कहो हाँ। तो पहले कहा सिर की हड्डी, फिर चेस्ट बोन, चेस्ट बोन जी है जी चेस्ट बोन, जब पसली मिलकर बनी है ना, जब एक टाई रूप में बताए थे तो बनाए थे ना डायग्राम बनने, और इससे जो पसली जुड़ी है, क्लियर है। फिर इसके बाद रीढ़ की हड्डी, काय की हड्डी, बैकबोन, कितने प्रकार की हो गई, कितने नाम पड़े, चार, पहला पहला, फिर रीढ़ की हड्डी कह दो, जो कह मेरुदंड कह दो, मेरु रज्जू कह दो, मेरु दंड कह दो, जो कहना है वो कह, ठीक है, नाम बताए थे कि नहीं, चले इन्हें देखे अपन। पहला तुम्हें पढ़ाया क्या, सिर की हड्डी, बोन्स ऑफ हेड, दूसरे नंबर बताया क्या, चेस्ट बोन, नंबर पे लिखी आप क्या, पसलियां, हिप्स, चौथी पे लिखो क्या, रीढ़ की हड्डी। तो बात है मत करो रे, सब चला जाएगा नहीं अभी यार, क्रम याद हो गया, क्रम में तो गड़बड़ नहीं है, यहां से क्रम चालू करना जी, कहा है कहां तक आएगा, उससे अपनो गले तक, कहां तक आएगा, फिर क्या हो जाएगा, चेस्ट, फिर इनको जगह ही पता है जी कहां कहां पे है, नहीं पसलियां जहां हो जाए, सिर जहां हो जाए, समझ में आया ना, और चेस्ट जहां हो जाए, और इनसे कहीं हो जाए, तो सबसे पहले चेस्ट कौन सा होगा, सिर, क्या होगा, सिर, फिर क्या होगा, चेस्ट, पसलियां क्या है, चेस्ट के आसपास, ये चेस्ट, ये चेस्ट के पास में क्या है, पसलियां, क्लियर है, और ये पीछे क्या है, बैकबोन, क्या है, क्लियर है। अब नंबर याद सुनो, फोन नंबर याद कर ले, लालो देखो, ये तो देखो तुम, 29, 1, 24, 26, 29, 1, 24, 26, देखो पसलियों का 12 जोड़ी पता है, 12 इतना 12 इतना जी हुई 24, इतना सुनो तुम्हें याद अपने आप हो, देखो 12 इतना 12 इतना, समझ में आया कि नहीं आया, 12 इतना 12 इतना कितनी हो गई 24, ये 24 जो हड्डियां रहती हैं, इधर पसलियां जो रहती हैं, 12 इतना वो 12 इतना, ये आप जानते हैं यहाँ जुड़ी रहती है, यहाँ मैंने आपको बताया ये टाई नुमा ऐसी रहती है, पता है, या उल्टी भी ऐसी रहती है इस तरीके से, और ऐसी रहती है, उल्टी भी मान लो, या भी मान लो, उल्टी ए मान लो, जो मानना है वो मान लो, ठीक है ना, टाई नुमा कह दो इसे, यहाँ एक ही रहती है ना, ये चेस्ट की हड्डी, तो जो एक हो गई, 12 रहता है 12 रहता है, कितनी हो गई 24, और जो रीढ़ की हड्डी जो है इसमें संख्या कितनी हड्डियों की 26, कितनी होती है बच्चों में 33 होती है, बच्चों में कितनी होती है 33, इतने सुन तो ले, लिख दाओ 33, फिर तुमने देखो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हड्डियां कितनी पाई जाती है 33, फिर हम देखा होगा जो उनकी माता रहती है तेल मालिश करती है, महंगा करती है कि नहीं, फिर मालिश से सारी हड्डी जुड़ जाते हैं, कितनी बचते हैं फिर 26, कितनी बचती है 26, क्लियर हुआ कि नहीं, लिख लेना यहाँ पर बच्चों में 33 पाई जाती है, लिख ले, तू बच्चा है तू लिख ले, 33 है तू में, तो बच्चे हैं भी लिख लें 33, बड़े हो गए भी कितने हो गए 26 साल के बड़े हैं जी, समझ में आया कि नहीं आया,
लिया, 29, 1, 24, 26 कितनी। तो पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है, वो आता है सिर की हड्डी का, किसका आता है, इसलिए नहीं आता भी 29 जान आएंगे, इसलिए नहीं आता है, कारण दूसरा है उसका आने का, कारण दूसरा है लाल, ठीक है ना। कई ऑप्शन में आएगा, जब पूछेगा सिर की हड्डी कितनी है, तो कई ऑप्शन में मिलेगा 28, कितना, कई मिलेगा 29, कई मिलेगा 1, पर एक हाँ, और कई मिलेगा 8, ये ऑप्शन आएंगे, कितने बता दें, 8, 1, 28, 29, ये चार ऑप्शन मिलेंगे, पर चारन के आंसर ही भी है गलत, एक ही नहीं है, समझ में आए ना। जो 29 से अपन कितने भाग में बांट दे, चार में, 1, 8, 28, 29, समझ में आया कि नहीं आया। पढ़ेंगे अपन इन चीजों को कैसे कैसे बांटेंगे, पहले तो इन्हें याद कर लो, क्रम याद होना चाहिए। देखो एक चीज और बताएं, एक चीज और सुनना आप ध्यान से, ये चेस्ट बोन के बारे में सुनिए आप, ये चमत्कार है हमारा, हमारे ये पसलियां हैं दोनों, ओ हाँ, इधर ये पसली यहां जुड़ी है और पीछे घूम के कहां रीढ़ की हड्डी जुड़ जाती है, कहां जुड़ जाती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती है, क्लियर है। एक जीव ऐसा भी है जिसकी पसलियां पाई जाती हैं उसमें, बैकबोन से तो जुड़ी रहती है लेकिन छाती पे नहीं जुड़ी रहती, क्या कह भाई, बैकबोन से तो जुड़ी रहती है लेकिन छाती से नहीं जुड़ी रहती। तो आप छाती से देखो, जे इस तरीके की जो पसलियां होती हैं, ये अगर यहां जुड़ी नहीं है तो देखो दिक्कत हो जाएगी, ऐसी भुजांगी करेंगे, गेट खुल जाएंगे करेंगे, हाँ या ना, आ जाओ सब बंद कर लो और जाओ और बंद कर लो, हाँ यार देखो ये हाथ देखना इधर, ये हाथ तो यहां लगे है ना, लेकिन ये अंदर बाहर हो रही है कि नहीं, हाँ या ना। तो इसका क्या मतलब है कपिल, तो मैं खाजी हूं, पढ़ा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जाए पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, कहां देखना चाहिए, बोर्ड पे नहीं तो सीधा तू अंदर, सुनो इधर ध्यान से। तो ऐसा कोई आपने पशु देखा है जो मनुष्य भी खा जाता है, जानवर भी खा जाता है, लेकिन मुंह उसका इतना सा होता है, देखा है क्या, कौन है, अजगर, कौन है, अजगर, लेकिन वो सही बोल रहा है तो भी हंसी आ रही है, अजगर मनुष्य को खा जाता है कि नहीं, जानवर भी सीधा निकल जाता है कि नहीं, कारण उसका यही है कि उसकी जो पसलियां होती है ना उसके बैकबोन पे जुड़ी रहती है लेकिन यहां से खुली रहती है, आ जाओ सब कहीं, समझ में आया कि नहीं, इसलिए वो सब खा जाता है। 300 पसलियां पाई जाती हैं, कितनी, 300, क्योंकि अजगर जितना बड़ा है पसली उतनी ज्यादा है वहां में, समझ में आया ना। तो सारी सारी पीछे बैकबोन पे तो जुड़ी रहती है, समझ में आया ना, लेकिन आगे नहीं जुड़ी रहती उसकी छाती से, तो ऐसी खुली रहती है इसलिए सब गटक जाता है, समझ में आया, फिर घूम जाता है तो सभी मार देता है अंदर, जिंदा का जिंदा कटक जाता है, और फिर मारने के लिए क्या पेड़ से लिपट जाता है। अब मान लीजिए उसने मनुष्य खाया या जानवर खाया, हाथों रख रख लो अंदर उसने, क्योंकि अब उसका मुंह बड़ा है तो सांस तो वो भी ले रहा है, तो हम भी ले रहेंगे वहां बैठे बैठे सांस, लेकिन अब बाय तो पचाना है ना भाई, मारने तो वो क्या करता है, पेड़ से लिपट जाएगा ऐसे। अब पेड़ से जैसे ही लिपटेगा तो तुम दूरी लिपटोगे, तुम तो चट चट बितरोगे, 26 की 26 टूटेंगी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। इसी तुम फिर अंतिम की ओर, लास्ट की ओर खत्म, तुम समझ में आया ना। कभी कभी आपने देखा होगा अजगर के अंदर चले गए, ठीक है, कंगू हथियार है मान लो निकल गया, वो बड़ा अजगर है, कंगू में बाहर निकल भी आते हैं, मान लो अंदर आपके पास हथियार चक्कू मकू काट फूट के बाहर निकल आए, जानवर देखे ना, कभी कभी जानवर को देखना निकल जाता है। अब मान लो हिरण को निकल गया वो, अब हिरण के तो क्या है, सींग है कि नहीं, वो सींग दे देगा वहां में, बाहर तो निकल अल्लाह है, अब कहा समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जिंदा का जिंदा निकल गया ना, तो अभी तो वो जिंदा है ना अंदर, तो उसने सींगों के द्वारा उसकी खाल को फाड़ दिया, बाहर निकल आया, समझ में आया कि नहीं आया।
पर वो अंदर क्यों कर लेता है, क्योंकि उसकी जो लिप्स है, उसकी जो पसलियां है ना, वो छाती पे जुड़ी नहीं है, ओपन है, ठीक है ना, क्या है, ओपन है, समझ में, फ्लोटिंग लिप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग से। पूछेगा क्वेश्चन तुमसे, क्या मनुष्य में फ्लोटिंग लिप्स पाई जाती है, तो आंसर कहना है हाँ, आंसर का कहना है हाँ, समझ में आया। तुम्हारे लास्ट की दो हड्डियां जो है ना पसलियों की, वे खुली रहती है, अगर आपने डायग्राम देखा हो तो मैंने ऐसे ही बनवाया आपको, समझ में आया ना, लास्ट की दो हड्डी, 12 आयत है, 12 आयत है, लास्ट की दो दो होती ना, 11वीं और 12वीं दो ही खुली रहती है, समझ में, जुड़ी नहीं रहती। यहाँ पे अभी डायग्राम बनाएंगे तो बताएंगे तुम्हें पूरा का पूरा, समझ में, देखना इधर ध्यान से, अब जो खड़े हो तुम कोई दिक्कत नहीं, बैठोगे तो नीचे वाला शरीर ऊपर की ओर आएगा कि नहीं, अगर मान लो जी जैसे जुड़ी होती तो आने ही ना देते, तो ऐसे बैठोगे लाल ऐसा ये जा रहा है ऐसा समझ में आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा डायफ्राम पाया जाता है, डायफ्राम ये ऊपर नीचे हो पा रहा है किसके कारण, जो लाश की दो जुड़ी नहीं उनके अंदर चला जाता है, बाहर आ जाता, अगर मान लो मैं बंधा होता डायफ्राम चिल्ला रहा होता मैं कहां जाऊं, तो वो तुम्हें शरीर को ऐसे होने ही नहीं देता, देखो बैठते हैं तो शरीर दबता है, हाँ या ना, और कभी कभी आपने देखो सतर्क होकर बैठ जाते बिल्कुल ऐसे बैठो, ऐसे बैठे रहते जिंदगी भर तुम, समझ में आया ना, अब नॉर्मल हो जाओ, धरती में घुस गए कि कैसे घुस गए तुम, लास्ट की दो हड्डियां जो है चेस्ट से नहीं जुड़ी है, ओपन है इस तरीके से देखो ऐसी, तो जब आप बैठते हैं तो ये अंदर घुस जाता है, तो आराम से बैठ पाए तुम, बस समझ में आई, तो हमें कितनी पाई जाती है, दो, संख्या है तो चार, मां की जोड़ी है तो दो, 12 जोड़ी दे हैं, 12 जोड़ी आखिरी की दो दो हड्डी, क्या आपको मेरी भाषा समझ में आ पा रही है, हड्डियों की, हड्डियों की भाषा बोल रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रही है, हाँ क्या ना, इनके नाम भी पढ़ेंगे अभी, आपको ध्यान है पिछले चैप्टर में नाम भी गिनाए थे आप, ध्यान है कि नहीं है, मुश्किल है, ध्यान भूल गए हो गए, तुम्हें पता है सांस लेने में और सांस छोड़ने में मैंने फसलियों का बारे में बताया था कि नहीं बताया था, अगर ध्यान आ रहा हो, ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत हो रही है, अपन फिर पढ़ेंगे कुंभ मेला तो रही होगा, गाओ तो गाओ, अब यार फिर आते, समझ में आया कि नहीं आया, तो सिर की हड्डी कितनी हो गई, 9 सॉरी 29, चेस्ट बोन कितनी, 1, बता दी, समझ में आ गई कौन सी होती है, पसलियां कितनी, रीढ़ की हड्डी कितनी, बच्चों में कितनी, इधर देखो यहाँ जो हड्डी है ये हाथ लगाओ जहाँ खुद के, ये दिख रहा है जहाँ ऊपर खावर दिख रहा है कुछ बाहर निकल रहा है जी, हाँ या ना, ये दिख रहे हैं यहाँ ये हड्डियां पाई जाती हैं, ये वाली ये सबसे ऊपर की जो हड्डी रहती है और ये यहाँ माइंड से जुड़ी रहती है, क्यों सही कछु, यहाँ जो जुड़ी रहती है, इस हड्डी का नाम जानो न जानो, इस हड्डी को कहते हैं एटलस, क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, क्या कहते हैं, तीन भागों में हड्डी पड़ेंगे हम, कौन सी, बैकबोन अपनी, कितने भाग होते हैं, तीन भाग, तो इन तीन पहले तो इन्हें पढ़ेंगे, पहले सिर की हड्डी याद करेंगे सभी, ठीक है, धीरे धीरे उपांगी 29 होंगी ना, आराम आराम से करेंगे याद, ठीक है ना, तो लिख लिया आप लोगों ने, टोटल कर लो, 29, 1, 30, 24, 26 कितने होंगे, 50, 50, 3 ये हो गई 80, 80 को कितने भाग में तोड़ दो अपन ने, 4, लिख लिया 80 हो गई कि नहीं हो गई, अब नंबर एक हेडिंग डालू, सिर की हड्डी, डाली हेडिंग, ये नाम है इसके क्रेनियम बोन या क्रेनियम बॉक्स, जो भी कहना हो आप लिख दे, लिख लीजिए, संख्या लिखो 8वां में, यहां जो हम सिर की हड्डी पढ़ने जा रहे हैं कितनी लिखवाई थी मैंने, 29, इनमें से हम कितनी पढ़ रहे हैं, 8, ये 8 हड्डी कौन सी पढ़ रहे हैं, देखो यहां से चालू होगी, ये देखो इधर बोर्ड पे देखो, इधर ध्यान से,
और ये यहां देखो ये ऐसी जाएगी हड्डी, कान के ऊपर ही ऊपर रहेगी, ठीक है ना। वो हड्डी लिखवा रहे 8, खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है, 8 हड्डी पाई जाती है। ये जो हड्डियों का जो ढांचा बना हुआ है खोपड़ी जा, खोपड़ी में हड्डी पड़ा है, ये खोपड़ी को ही कहते हैं क्या, क्रेनियम बॉक्स। आपका माइंड काय के अंदर भरा हुआ है, समझ आए ना, इस बॉक्स के अंदर भरा हुआ है, ये सुरक्षा दे रहा है ना। इसी को हम हेलमेट से बचाते हैं, लगाते हैं कि नहीं, क्यों, इसमें कुछ हो गया, लग गई जानदा, तो आप जानते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। तब सिर में चोट लगी, खून निकला, गया व्यक्ति, क्योंकि न्यूरॉन है तो बारीक नसें पाई जाती, उनका ऑपरेशन होता ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब इनके नाम पढ़ेंगे हम, 8 के नाम, 8 नाम याद करेंगे। देखो इधर ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, ये हाथ लगा वैसे, ये कौन की हड्डी है, कौन के नहीं है बताना है, कौन कौन की हड्डी है, जहाँ है इस हड्डी को कहते हैं फ्रंटल, फ्रंटल बोन। लिखिए पहला नाम फ्रंटल, फ्रंटल, ललाट कहता है कोई हिंदी में, इंग्लिश नाम है, कोई ललाट कहता है, कोई कपाट कहता है, कोई कपार कहते हैं, कहते हैं नहीं, कोई माथा कहता है, हाँ या ना, अलग अलग हिंदी में ना, हिंदी के नाम तो कहा है सब कुछ पोजीशन पे कह रहे हैं, बड़ा के हिसाब से आ जाते हैं कि नहीं। माथा है खुद भाषा में, बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना, कपार ठीक है, नहीं है बेहतरीन नाम है कि नहीं है, ललाट और कपाट लिख पाए, एक है तुमने के दो हैं, एक इसलिए संख्या कितनी लिखी है, एक, क्लियर है। अब इसके ऊपर है जाओ, देखो यहां जाएंगे ऊपर तो एक इतेगा हुआ है और एक इतेगा गया है, एक हड्डी इधर गई है और एक हड्डी इधर गई है, ठीक है। पैरेंटाइल लिखो, का नाम लिखो, पैराइटल, क्या नाम है, पैराइटल। अब मैंने आपको बताया दो दो भागों में गई है ना, देखो एक इधर गई है और एक इधर गई, तो कितनी गई, दो, तो संख्या कितनी हो गई, दो, पैराइटल। लिख पाए क्या पैराइटल, आगे सुनिए अब ध्यान से, याद क्रम से होगा ना तो याद हो पाएगा। देखो ये बताई पहले सामने की, फिर इसकी ऊपर की हो गई, देखो इधर ये ऐसी गई, ऐसी रखी है यहां पर, अब इधर की पढ़ ले, हाँ है ना, तो देखो टेम्पोरल, टेम्पोरल और दो तरफ कान के ऊपर वाले भाग है, इसलिए दो संख्या है। लिख पाए, क्लियर है, देखो ये क्या है, फ्रंट में है तो फ्रंटल, क्या है, फ्रंटल, इसके ऊपर चले गए तो क्या है, पैराइटल, क्या है, जाके परे चले गए ना, परे होता है दूर चले जाना परे, तो पैराइटल, क्लियर है। और ये इधर की साइड की क्या हो जाएगी, टेम्पोरल, क्या हो जाएगा, टेम्पोरल। संख्या कितनी, अब दोनों साइड है तो संख्या कितनी है, दो। आ जाओ देखो इधर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बच जे गया, ये देखो यहां से लेके यहां तक बचा है, ये पूरा का पूरा, ये इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल, क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल। अब जो एक ही है तो एक संख्या लिखेंगे, लिखो समझ में आया, तो यहां हड्डी आपको महसूस हो रही है, ये वाली हो रही है, ये भी महसूस हो रही है, ये भी महसूस हो रही है, ये भी महसूस हो रही है कि नहीं। अब कुछ हड्डी इनके अंदर है, इस खोपड़ी के अंदर, उसका नाम है स्पिनोइड, स्पिनोइड संख्या एक, पीयूष ग्रंथि पढ़ाई थी आपको,
पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड पढ़ाइए, जानते हो ना मास्टर ग्लैंड, हाँ या ना? पीयूष ग्रंथि इसी हड्डी में रखी रहती है, स्पिनोइड में, तो आपकी मास्टर ग्लैंड होती है। नाम सुना है क्या मास्टर ग्लैंड, हाँ या ना? वो किस हड्डी में रखी रहती है? स्पिनोइड में रखी रहती है। कौन से माइंड के पास में होती है? हाइपोथैलेमस माइंड। कौन सा? हाइपोथैलेमस माइंड है, उसके नीचे एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्पिनोइड, उसमें रखी रहती है क्या? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? अगली का नाम लिखिए एथेमॉइड, एथेमॉइड एक संग लिख पाए नहीं लिख पाए? 29 याद करेंगे, चिंता ना करें, आप करवा रहे हैं बस, धीरे धीरे चल रहे हैं। 8 तो याद हो गई, खोपड़ी की याद हो गई कि नहीं? हाँ या ना? पहले का नाम फ्रंटल, ऐसे हाथ रख के याद करो तो इससे आपको याद हो जाए फ्रंटल। फिर अब आ जाएगी ऊपर अपन का टेस्ट लग, नहीं टेस्ट लंग, टेस्ट मैं नाम बोलेंगे तुम्हें याद रखवाएंगे, समझाया कि नहीं है? तो पहला फ्रंटल, क्लियर है? फ्रंटल के बाद कौन सा हो जाएगा? पैराइटल। क्या हो जाएगा? पैराइटल के बाद टेम्पोरल। क्या है? टेम्पोरल, ठीक है। फिर ऑक्सीपिटल। क्या हो जाएगा? तो हाथ नहीं लगाएगा तो समझ जाएंगे उसकी नंगी बाटी, जिन्हें नहीं लगा पाए तो कह देंगे बस है निकाल ले, जो पड़ोसी से कह दिया मैंने निकाल ले बॉडी, बाकी तो है नहीं है। पहली कौन सी है? कौन सी है? फ्रंट में फ्रंटल, फ्रंट में लाई तो जोड़ने अपने, फ्रंट तो लिखा ही है, ला और जोड़ा है बस, समझ में आए ना? तो फ्रंटल हो गया कि नहीं? फिर क्या है? पैराइटल। क्या है? पैराइटल, समझ में आया? तो पैराइटल कितने हैं? दो। फिर आ जाता है कौन सा? टेम्पोरल। टेम्पोरल कितने हैं? दो। फिर आ जाता है क्या? ऑक्सीपिटल कितने हैं? एक। फिर आ जाता है क्या? स्पिनोइड। क्या जाता है? स्पिनोइड कितने हैं? एक। और फिर आ जाता है एथेमॉइड। एथेमॉइड कितने हैं? एक। संख्या याद हो गई कि नहीं हो पाई? हो गई कि नहीं हुई? हाँ। ऑक्सीपिटल कहाँ है? ऑक्सीपिटल कहाँ है? पीछे। पैराइटल कहाँ है? ऊपर, ऊपर। पैराइटल पेरेंट हो गए, पेरेंट ऊपर बैठे हैं, ठीक है। पैराइटल क्लियर है ना? टेम्पोरल साइड में, कहाँ है? साइड वालों का है टेम्पोरल, क्या है? टेम्पर, ठीक है ना? टेम्परेरी है, कल दूसरों होगा, ठीक है ना? तो तीन हो गए, अगला क्या आएगा? मैं कहूंगा तुम दोरी के हो गए यार, फ्रंटल कहाँ है? संख्या कितनी है? ऑक्सीपिटल। पता था तुम यही करोगे, ऑक्सीपिटल दो हो गए गई, दोबारा चालू होने। फ्रंटल कितने? एक। ऑक्सीपिटल कहाँ है? वेरी गुड। पैराइटल कहाँ है? टेम्पोरल वगैरह सारे। टेम्पोरल कितने? स्पिनोइड, एथेमॉइड। क्लियर है? दोबारा जाओ, एथेमॉइड, एथेमॉइड, स्पिनोइड, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। एक हो रहा है, दो हो रहा है, देख रहे हैं? फ्रंटल। अब थोड़ा आप सोच लीजिए कि आपको याद होगा कि नहीं, आंखें बंद कर लीजिए, अंदर ध्यान में चले जाइए, ठीक है? तब तक हमें नहीं भी पहुंचा देते हैं, सोच लो याद होना चाहिए। याद हो गई? कौन कौन को याद हो गया? हाँ वेरी गुड। पहली कौन सी है? पहली फ्रंटल, हाथ रखना है, ठीक है ना? याद तो तुम्हें होना है,
देखो क्या कर रहा हूं, पहली कौन सी फ्रंटल, फिर कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी, और फिर कितनी। पीयूष ग्रंथि संबंधित कौन सी है, कौन सी है, मुझे लगता है याद हो गया होगा। इसके बाद भी अगर भूल जाओ तो तुमसे बड़ी दुष्ट आत्मा कोई भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर वो कहे कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है तो आठ लगाना है। कितनी लगाना है, आठ लगाना है। ओ हाँ, क्लियर है कि नहीं है? खोपड़ी को क्या कहते हैं, और इंग्लिश नाम इसका जरूर ध्यान में रखना, मुश्किल है कि हिंदी में नाम मिल पाए। तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रेनियम बॉक्स, क्या कहते हैं, क्लियर है? हाँ या ना। ये जो एक और नाम लिखाया है ना, स्कल बोन लिखाया कि नहीं, या अभी बताएंगे, अभी इसका नाम आया नहीं है, ठीक है ना, धीरे धीरे बता रहे हैं तुम्हें सारे सारे। अब देखो इधर खोपड़ी निपट गई, ठीक है ना, पढ़ा दो पूरों को पूरों, निपट गई मतलब पढ़ा दो नहीं तो कई जगह निपट गए, अच्छे भले बैठे। अब हम पढ़ रहे हैं फेस को, ये वाला, इसे कहते हैं क्या, फेसियल बोन, क्या कहते हैं, फेसियल, चेहरे की हड्डियां। देखो हेडिंग, ये सब इसी में आ रही है लालो, सिर की हड्डी में, मैंने बताया ना सिर जाता है तुम लोग, उसमें ही करना है। आठ पढ़ा दी ना, 29 करने हैं कि नहीं करने हैं, वहीं तक जा रहे हैं। इनकी संख्या होती है 14, हमारे चेहरे में कितनी है, 14। अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ऐसा, शरीर के किस भाग में हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा, शरीर के किस भाग में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, क्या आपको पता है? है? हड्डी में, खोपड़ी में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है उंगलियों में, 30 हड्डी होती है, कितनी, 15 जामे मिलके हो गई कितनी, समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ाएंगे तो समझ में आया, हाथ भी पूरे पढ़ाएंगे, है ना, पूरे निकाल के लांग कौन देखो, ठीक है ना भाई, पढ़ाएंगे पूरे 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 हड्डी को लेके आएंगे, वही से पढ़ेंगे पर। तो फेसियल बोन कितनी हो गई, 14। वैसे तो इनमें दो मेन है, एक तो जो तुम्हारी ऊपरी जो दो हड्डी से मिलके आया है, और एक ये पूरा नीचे जबड़ा कहें जा, ऊपरी जड़ और नीचे, तो हो गए कि नहीं, 14 में से दो पूछ लेते हैं पेपर में, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कितनी याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ हाथ रखो, हड्डी देख रही है कोई, कहे हाँ या ना, है कि नहीं? इस हड्डी को क्या कहते हैं, जायगोमैटिक बोन, लिखो पहला, क्या नाम है इसका, जायगोमैटिक, जायगो, अब मुझे बताओ, इधर देखो एक जा है इधर और एक जे है, संख्या कितनी हुई, तो लिखी, तो क्या नाम हो गया इसका, जायगोमैटिक, कौन सा हो गया, देख लिया। अब अगले का नाम सुनो, ये तुम देख रहे हो जो ऊपरी जबड़ा आपका, देखो जाए ध्यान से, ये दो हड्डियों से मिलकर बना है, एक इधर से हड्डी आई है जी, ठीक है ना, अब टच में आ रहा, देखो इधर करो ऐसे लगो जोर से, ठीक है, बाहर निकल आए, तो इधर से आए कि नहीं है, इसे कहते हैं, ये जो हड्डी आई है ना इसे कहते हैं क्या, मैक्सिला, क्या कहते हैं, मैक्सिला,
जिसमें आपका जो जबड़ा टच है ना, ऊपरी वाला जो टच है ना, उस हड्डी को क्या कहते हैं? मैक्सिला। अब इसकी संख्या भी दो ही होगी कि नहीं? दोनों साइड है। इसका एक नाम और है, पेपर में नाम मिल जाए तो भी लगा देना। एक नाम तो क्या बताया? मैक्सिला। एक नाम और इसका है, मैसेस्टर। मैसेस्टर क्या नाम है? मैसेस्टर लिख लेना। क्या नाम है इसका एक और? मैसेस्टर। मैसेस्टर लिख लो। एक का नाम बताया मैक्सिला, एक क्या हो गया? एक और नाम है मैक्सिलरी। मैक्सिलरी लिख लो, सब लिख लो, तुम टूट ना जाए कछु। मैक्सिलरी मैक्सिलरी एक पाए का लिख लिया। देखो जी हड्डी पढ़ लीजिए, अपना नाम कौन सा नाम है? जाएगो। फिर जी वाली का क्या नाम है? और नाम है? और क्लियर है? तो यहां से यहां तक उतरे आए, लेकिन जब बीच में रह गई ये ऊपरी वाली हड्डी। हाँ है ना, इसे कहते हैं नेजल बोन। नेजल बोन नेजल बोन देखो, नेजल बोन लिख पाए कि नहीं लिख पाए? अब ये ऊपर कर पड़ जाए, अब जा पे जाओ। ये कौन सा है? जबड़ा है कि नहीं? नीचे वाला, ये ऊपर ये नीचे, अपर जो लोअर जो, कि जिनका नाम हो लिख लिया। पेपर में इस पे ही तो क्वेश्चन पूछेगा वो, अपर जो को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे मैक्सिला कहते हैं, या मैक्सिलर कहते हैं, या मैक्सिलरी कहते हैं। ऊपरी जबड़ा एक पाए का, ये नाक की हड्डी बता दी तुम्हें, बगल में लिख लेना, भूल गए कहूं तो। नाक की हड्डी नेजल लिख लो, बगल में कहा जा रहा होती। पाए नहीं लिख पाए? आप सब जानते हो। चौथे नंबर पे जाता है, निचले जबड़े का नाम लिखेंगे, मेडिवल। पब्लिस्टी मत क्यों आ, मेडिवल निचले जबड़े को कहते हैं क्या? मेडिवल। आठवे याद करो, चार जे याद करो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया है, जायगोमैटिक हड्डी किस प्रकार की है, क्या लगाओगे? एक तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? फेशियल बोन। ये नहीं मिला तो, अगर मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आता है, जायगोमैटिक बोन किस प्रकार की बोन है, तो आंसर क्या लगेगा? एक तो ये लगा सकते हो फेशियल बोन। ये नहीं मिला तो क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे फिर आप? ये लगाओगे क्या? लिखा है क्रेनियम बोन। ये भी नहीं मिला तो क्या लगाओगे? ये भी नहीं मिला तो फिर क्या लगाओगे? एक्सियल बोन। क्या लगाओगे? या इसके लिए क्वेश्चन अलग आएगा, वो क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, जैसे इसी का बनाते हैं क्वेश्चन। जायगोमैटिक बोन किस सिस्टम का पार्ट है, ये आएगा।
तो क्या आंसर लगाओगे, क्या लगाओगे? फेशियल बोन नहीं लगाओगे, सिस्टम बोल रहा हूं ना मैं, तो क्या लगाओगे आंसर? स्केलेटन सिस्टम थोड़ी लगेगा, एक्सियल, क्या लगेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से पूछ सकता है वो? हम तो उस तरीके से सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, तब जाके हम लगा पाएंगे। आ गया इसका, आ गया देखिए, मैक्सिला किस सिस्टम का पार्ट है या किस स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है? तो दो सिस्टम पढ़ाए आपको, दो स्केलेटन सिस्टम पढ़ाए कि नहीं? पहले का नाम क्या है? एक्सियल, काय का हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है? और मान लीजिए अगर आ जाता है किस प्रकार की बोन है, तो आप फेशियल कह सकते हो, और ये नहीं मिला तो क्या कह सकते हो? क्रेनियम या स्कल, क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको सिर की हड्डी कितनी पढ़ाई है? नहीं, कितनी बताई है? 29। कितनी बताई है? और 29 मैंने यहां तक बताई है आपको, बताई है कि नहीं बताई? हाँ, है ना? और ये ध्यान रखिए, फेशियल बोन में वो पूछता है क्या, एक और 14 हड्डी तो आती है, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये गलती कहाँ हो सकती है? फेशियल बोन में कौन सी हड्डी को नहीं काउंट किया जाता है? अब नहीं काउंट किया जाता तो ऐसा तो है नहीं, उसमें पसली लिख दे वो, मतलब ऑप्शन यही कहीं से बनेगा कि नहीं? तो ध्यान रखना, कान की हड्डियों को नहीं गिना जाता है इसमें, कौन सी हड्डियों को? तो आप लिख सकते हो 14 के पास में, लिख लेना कान की हड्डी को छोड़कर है ये, क्योंकि फेशियल में देखो हम क्या करते हैं, ये सिर हो गया, ये फेशियल हो गया, तो इसे ही इसमें काउंट कर देंगे हम, जबकि ये अलग पड़ेंगे हम। लिख लीजिए, लिख पाए क्या? हाँ, है ना? तो फेशियल में किस हड्डी को काउंट नहीं किया जाता? अब कान की हड्डी अलग से पड़ेंगे हम, पहले जो 14 पढ़ेंगे, पर कान की हड्डी के लिए एक ट्रिक बता देते, अभी से ध्यान रखना, MIS, मिस, याद रखोगे? बस हड्डी याद हो जाएंगी इसकी, मतलब उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है? कहा रहेंगे ये कितनी पाई जाते हैं कान में, कितनी हड्डी? तीन, नहीं छह, तीन, दो कान है भगवान ने तुम्हें, क्या तो ऐसी तो काम करो तुम, MIS इतना लगे तो MIS इतना ना लगे, तो तीन इतना है तो तीन, समझ में आया कि नहीं आया? तो कितनी हड्डी होंगी कान में? तो छह पड़े वहां में, लेकिन ट्रिक याद रखना क्या, MIS, क्या? तो कान की हड्डी को अलग से पढ़ा जाता है, किसमें नहीं पढ़ेंगे उसे? क्लियर है कि नहीं? अब बाकी काम नेक्स्ट क्लास में, याद कर लेना ये सब, इतना